एक गांव में राजू नाम का लड़का कोमल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक बेटी होती है, पर उसके माँ बाबा को वो लड़की पसंद नहीं होती। अजी, ये हमारा बेटा तो माना ही नहीं, ले आया इस गरीब को, ना दहेज आया ना कुछ। कोमल सभी का बहुत ही ध्यान रखती है, यहाँ तक कि उनके कुत्ते टॉमी का भी। अगली सुबह राजू को शहर जाना पड़ता है। पीछे से मोहना और मोटा राम कोमल को मारकर घर के आंगन में दफना देते हैं। लो मोहना डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो गया। तभी राजू की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। लो, माँ से जान छूटी नहीं कि ये रोने लगी। अब मोहना और मोटा राम उसे भी घर के आंगन में ही जमीन पर लिटा देते हैं, जहाँ कोमल दफन होती है, और सोने चले जाते हैं। गुड़िया के रोने की आवाज से कोमल की लाश तड़पने लगती है और चुड़ैल बनकर जमीन से बाहर आ जाती है। नहीं, मेरी गुड़िया, मत रो मत रो, चुप हो जा बेटा, मैं यही हूँ तेरे पास। लेकिन चुड़ैल जैसे ही गुड़िया को उठाने लगती है, वो उसे उठा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ, इसे भूख लगी है और माँ इसे यहाँ तड़पने को छोड़ गई। फिर वो घर के अंदर जाकर देखती है। क्यों मोहना डार्लिंग, मजा आया पीकर? तुम तो आज बहुत खुश होगी, बलाटली। ये सब देखकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है, पर वो जैसे ही उन्हें मारने जाती है, वो मार नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी बच्ची बाहर कितनी देर से रो रही है। खा पी कर दोनों सो जाते हैं। कोमल बाहर जाती है, टॉमी उसे देख लेता है। टॉमी चलो जल्दी मेरे साथ चलो, भूख के मारे गुड़िया रो रही है, उसे उठाओ। टॉमी चुड़ैल के साथ जाता है और गुड़िया को कपड़ों से उठाकर घर में बिस्तर पर लिटा देता है। और दूध की बोतल को मुंह में पकड़कर गुड़िया को पिलाने लगता है। गुड़िया चुप हो जाती है और सो जाती है। टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो, ये इंसान तो तुम जानवरों से भी बदतर है। फिर अगली सुबह, अरे ये मनहूस गुड़िया अंदर कैसे आ गई? खैर जाने दो डार्लिंग, बस अब मोना आ जाए जल्दी से, राजू को भी बुला लिया है और मैंने कह दिया है कि कोमल चोरी करके घर से भाग गई। चुड़ैल उनकी ये सब बातें सुन रही होती है। हाँ ठीक किया तुमने, अब मोना ही हमारी बहू बनेगी अब। गुड़िया भूख से फिर रोने लगती है, लेकिन मोहना उसे दूध नहीं देती। और वो घूमने निकल जाते हैं। टॉमी उन पर भौंकने लगता है। फिर वो चले जाते हैं और गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल होता है। अरे बेशर्म लोगों, मेरी बेटी यहाँ रो रही है, तुम्हें घूमने की पड़ी है, टॉमी अब क्या करें? तभी टॉमी दूध की बोतल को देखता है तो वो खाली होती है। माता रानी, तू ही कुछ कर, मैंने सारी जिंदगी तेरी पूजा की है, तू कुछ कर माँ, मुझे शक्ति दे, तू भी तो एक माँ है। तभी चुड़ैल के शरीर से प्रकाश निकलता है और वो गुड़िया को छू पाती है। माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। वो गुड़िया को उठा लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। रात हो जाती है और मोहना और मोटा राम वापस आते हैं। अरे ये क्या भूत, अरे मर गए रे। गुड़िया चुड़ैल के हाथों में होती है, पर उन दोनों को चुड़ैल नहीं दिखती। अरे मर गई रे, ये बच्ची हवा में कैसे उड़ रही है?
अजी लगता है इसको किसी ने गोद में उठा रखा है, लेकिन किसने? वो दोनों डर के मारे घर से बाहर भागने लगते हैं। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर भागते हैं, उन्हें रास्ते में राजू मिल जाता है। अरे माँ बाबा क्या हुआ? अरे बेटा घर पे भूत है। लेकिन जैसे ही वो सब घर पर जाते हैं, वहाँ कोई नहीं होता और गुड़िया भी आराम से बिस्तर पर खेल रही होती है, और कोमल गुड़िया के पास खड़ी होती है पर किसी को दिखाई नहीं देती। माँ यहाँ तो कोई नहीं है, और मुझे ये बताओ कि कोमल कहाँ गई? पता नहीं बेटा। फिर सब सोने चले जाते हैं, पर राजू को नींद नहीं आती और घर के बाहर चला जाता है। कोमल कोमल तुम कहाँ हो? अगले दिन सुबह मोना शहर से वहाँ आ जाती है, और मोहना राजू को मोना से शादी करने को कहती है, पर राजू मना कर देता है। अरे छोड़ो कोमल को, राजू बेटा वो कमबख्त अब नहीं आने वाली। तुम्हारी माँ के जेवर भी गायब हैं, इसका मतलब नहीं समझते? राजू कुछ नहीं कहता और चला जाता है। फिर आधी रात होते ही राजू अपने दोस्त के घर जाता है और कोमल को ढूंढने को कहता है। राजू के घर पे ना होने का फायदा उठाकर मोहना, मोटा राम और मोना तीनों मिलकर गुड़िया को मारने की तरकीब बनाते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अरे इस कांटे को तो रास्ते से हटा दो, मैं नहीं पाल सकती बच्चा बच्चा, वो भी किसी और का। तुम चिंता मत करो, इसे भी मार कर इसकी माँ के पास दफना देते हैं, चलो। कोमल को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, और वो गुड़िया को मोहना के हाथों से छीन लेती है। तू मारेगी मेरी बेटी को, तू हाथ लगा के दिखा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। उनकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर सब गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं, और चुड़ैल मोहना को भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। तभी राजू भी वहां आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? माँ तुम और गुड़िया हवा में कैसे हो? नहीं नहीं बेटा, बेटा मुझे बचा ले, कोई भूत है। कोमल गुस्से में मोहना को जोर से पटक कर मार देती है। टॉमी अब तुम ही मेरी मदद करो, मुझे यक्ष शक्ति कुछ ही दिन के लिए मिली है, राजू को सच तक ले जाना होगा। टॉमी राजू के कपड़े खींचकर उसे उसी जगह ले जाता है जहां कोमल की लाश दबी होती है। अरे टॉमी मुझे यहां क्यों ले आई? मुझे गुड़िया को बचाना है। गुड़िया हवा में कैसे उड़ रही है देखो, और तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? टॉमी जमीन खोदने लगता है। और उसमें से कोमल की लाश निकलती है, जिसे देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं कोमल नहीं, ये किसने किया, किसने किया? तभी चुड़ैल मोटा राम को भी गर्दन से उठा लेती है। अरे अरे मर गया रे, कोमल कोमल मुझे माफ कर दे, मुझे पता है ये तू ही है बेटी। राजू कोमल को बोल हमें छोड़ दे, मैं सब कबूल करता हूँ, हमने तुम्हारी कोमल को मारा है, ये कोमल ही है जो हमसे बदला लेने आई है। क्या कोमल, कोमल तुम यहाँ हो? मेरे सामने आओ कोमल। हे माता रानी, अब एक आखिरी बार मुझे शक्ति दे कि मैं अपने पति से बात कर सकूं, बस एक बार। कोमल के ऐसा कहते ही रोशनी सी होती है, और कोमल चुड़ैल रूप में सबके सामने आ जाती है, और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोना चुपके से वहां से भाग जाती है। राजू बाबा ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ही मुझे मारा है, अब ये लो मेरी बेटी का ध्यान रखना और अपना भी, अब मैं शांति से मुक्त हो सकती हूँ। पुलिस आकर मोटा राम को ले जाती है। चुड़ैल गुड़िया को राजू की गोद में दे देती है। कोमल ये सब क्या हो गया,
मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। चुड़ैल राजू और अपनी बेटी को गले से लगाती है और फिर गायब हो जाती है।